हेलो दोस्तों, इंटरव्यू होने के कितने दिन के बाद मेडिकल होता है आज के वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। बहुत ऐसे लोग हैं कि जिन लोगों का इंटरव्यू हो चुका है, उनका सिलेक्शन भी हो चुका है, लेकिन अभी तक उनका मेडिकल के लिए नाम नहीं आया और कोई बताया नहीं कि आपका मेडिकल कब होने वाला है। सबसे पहले आपको एक हम बात बताने वाले हैं मेरे भाई, अगर आपका सऊदी अरब के काम हुआ है या किसी भी देश के लिए काम हुआ है, अगर आपके ऑफिस वाले अभी तक मेडिकल के लिए नहीं बोले हैं तो आपको ज्यादा टेंशन की लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यूअर जब होता है तो एक ही दिन इंटरव्यू नहीं करने आता है, उसमें 2 दिन 4 दिन 5 दिन भी इंटरव्यूअर करता है और सारे लोगों का पेपर ले करके जाता है। जहाँ का भी इंटरव्यू होता है, कुवैत कहे तो कुवैत जाता है, सऊदी अरब कहे तो सऊदी जाता है। जब भी इंटरव्यूअर वहां पर जाएगा तो बहुत बार ऐसा होता है कि वहां जाने के बाद फिर वहां का भी अप्रूवल लेना पड़ता है। वहां पर भी उनका मैनेजर लोग रहते हैं जो लोग इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, उन लोगों से अप्रूवल लेने के बाद जितने लोगों का वीजा निकालना होता है उनका नाम फिर वो लोग वहां से भेजते हैं कि इन लोगों का सिलेक्शन 100% क्लियर है और इनका अब मेडिकल कराया जाए प्रोसेस के लिए। तब ऑफिस वाले वो आपके पास फोन करते हैं कि अब आपका नाम आ चुका है, अब आपको मेडिकल कराना है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि भाई आपका वीजा रेडी है, अभी आप मेडिकल कराओ, इंटरव्यू पास करो, दूसरे दिन मेडिकल कराओ। ऐसा भी होता है, वो अर्जेंट वर्क रहता है, ठीक है ना, बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन बहुत बार ऐसे भी देखा गया है कि आपका इंटरव्यू भी हो जाए या सीवी सिलेक्शन आपका हो जाता है और दूसरे दिन लोग बोलते हैं कि भाई मेडिकल करा लो। तो मेडिकल के नाम पर भी आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, लोग झूठ बोल देंगे, एजेंट झूठ बोल देगा सर कि हाँ आपका काम हो चुका है, बस आपको मेडिकल कराना है, और मेडिकल के नाम पर वो लोग आपसे 5,000-10,000 रुपया भी ले रहा है। तो ऐसा जल्दीबाजी में मत आइएगा, जो प्रोसेस हो रहा है प्रोसेस को आपको होने देना है और आपको सब प्रोसेस के बारे में पता करना है कि हाँ हमारा जो काम है वो जेन्युइन हुआ है या नहीं हुआ है, जेन्युइन ऑफिस से हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि आज के डेट में लाखों का तादाद में ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जो फ्रॉड करने के लिए बैठे हुए हैं, लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं उनको। बहुत ऐसे ऑफिस हैं जो ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं कि जो फ्रॉड के कैटेगरी में आ चुके हैं, उनका नाम, उनका नंबर, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगा। जितने भी ऑफिस जो रजिस्टर्ड ऑफिस है सब ऑफिस ऑनलाइन रहता है, ऑनलाइन आप जाकर के देख सकते हैं कि कितने ऑफिस है जो ऑनलाइन है। इंडिया में अगर हम बात करें तो मोर देन 3,000 से ज्यादा ऐसे ऑफिस है जो इंडिया गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, और बहुत ऐसे भी ऑफिस है कि जो फ्रॉड के नाम पे लिस्ट में उनका नाम ऑनलाइन भी वहां पर शो कर रहा है इंडिया गवर्नमेंट के वेबसाइट पर। लेकिन बहुत ऐसे हैं कि जिनका नाम शो नहीं कर रहा है लेकिन वो भी फ्रॉड कर रहे हैं। तो कहीं पर से भी आप काम कराएं, सबसे पहले ऑफिस के बारे में पता करें कि जिस ऑफिस से हमारा काम हो रहा है क्या वो ऑफिस जेन्युइन है या नहीं है। पहला, अगर जेन्युइन नहीं होगा तो आपके साथ में कभी भी फ्रॉड कर सकता है। इंडिया गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होना चाहिए और उस ऑफिस का रिव्यू जो है वो सही होना चाहिए, यानी कि वो ऑफिस से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं उसका रिव्यू उसके बारे में अच्छा बता रहे हैं कि नहीं ऑफिस सही है। उसके बाद से आपका काम हो जा, मेडिकल में डिले हो रहा है यही बात है, जब भी यहाँ से इंटरव्यूअर लोग चले जाएंगे इंटरव्यू लेकर के वहाँ से फिर लिस्ट का नाम भेजेंगे, तब आपका एजेंट या आपके ऑफिस वाले लोग फोन करेंगे और आपको बोलेंगे मेडिकल कराने के लिए। जो जल्दी जल्दी कर रहा है तो भाई उसमें भी डाउट हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि क्यों डिले हो रहा है, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, अच्छा है जल्दीबाजी में आएंगे, जल्दी जल्दी कोई काम करेंगे तब के साथ में कुछ भी हो सकता है। और कोई भी प्रोसेस करने से पहले, एक कदम पढ़ने से पहले आप सब कुछ के बारे में अच्छे से वेरिफिकेशन कर लीजिएगा, जल्दीबाजी में करेंगे आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।